नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की नई वैकेंसी, और केवल लेखपाल ही नहीं, बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने आई हैं, आने वाली हैं। अगले 15 दिनों में वैकेंसीज का भंडार लगने वाला है, और ये सब कुछ हो पा रहा है चुनाव के नतीजों की वजह से। सारी बातें आप लोग जानते हो, मुझे कुछ स्पष्टीकरण उसके लिए नहीं देना है, बट आपने जो थंबनेल देगा उस थंबनेल के बारे में सब कुछ मैं बताने वाला हूँ कि आखिर लेखपाल की जो वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात ये, अभी 10 मिनट पहले की ही खबर है जो मैं अभी लेके आ रहा हूँ इस वीडियो बनाने के जस्ट 10 मिनट पहले, कि भारत समाचार का ये न्यूज है, योगी कैबिनेट में तबादला नीति की मंजूरी। एक तो ट्रांसफर पॉलिसी खुल गई है, और योगी कैबिनेट में आज 41 प्रस्ताव पास हुए। इस 41 प्रस्ताव में जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रस्ताव है, ये सारे वही प्रस्ताव है। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रस्ताव, एक तो जो बच्चे वर्किंग है उनके तबादले के लिए, ट्रांसफर के लिए। दूसरा है कि इन्होंने सभी रिक्तियों पर तत्काल भर्ती प्रारंभ की जाए, जो अधियाचन भर्ती बोर्ड को भेजे जाने हैं उससे अगले 15 दिनों में भेज दिया जाए। ठीक है, ये आपको बोल दिया गया है कि 15 दिनों के अंतर सारी चीजें क्या कर ली जाए, संपन्न करा ली जाए। जो रिक्तियां हैं वो रिक्तियां तुरंत निकाल दी जाए, और जिनके अधियाचन जाने हैं वो 15 दिन के अंदर अधियाचन भेज दिए जाए। कहने का मतलब कि जून का महीना आपके लिए सबसे हॉट मंथ होने वाला है, केवल टेम्परेचर को लेकर नहीं, आपके वैकेंसीज को लेकर। और इस वैकेंसीज में यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पीटी 2023 की सबसे पहली जो वैकेंसी आपके सामने आने वाली है वो लेखपाल की आने वाली है, और सबसे डिमांडिंग वैकेंसी भी लेखपाल की होती है। 4500 पदों पे, 4500 पद किस तर्ज पे, आप सोचोगे ये पेपर कटिंग, ये पेपर कटिंग केवल 2023 की है। मैं आपको सही आंकड़ा बताऊं, इन्होंने क्या बोला है, 12000, देखो पूरे प्रदेश में लेखपाल के 30827 पद है, 30,830,827 में 18,288 पद जो है इस पे भरे जा चुके हैं, मतलब इस पे लोग कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 12,599 रिक्त हैं, और इन रिक्तियों में 8,085 जो अभी पिछली बार कंप्लीट कराया गया है उनका सब कुछ फाइनल हो गया है। इवन मैं बोल सकता हूं कि उनका डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट हो चुका है, लेकिन अभी कुछ को ज्वाइनिंग इन द केस बोल सकते हो कि उन्होंने ड्यूटी चालू नहीं की है, बाकी सारी प्रक्रिया हो गई है। तो इसे अगर हटाएंगे तो आपका लगभग 4,500 पद, और उन्हीं 4,500 पदों के भरने की बात की जा रही है, और ये आपके सामने आने वाला है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि सारणी अनुसार आती है, ये तो पिछली वैकेंसी का डेटा है। अब आपको कुछ नहीं बदलेगा, ये भी सेम रहेगा, राजस्व परिषद लेखपाल रहेगा, ग्रेड पे भी सेम रहेगा, आयु भी सेम रहेगा, और जो आपकी जो टोटल पद हैं ये पदों की संख्या बदल जाएगी, ये पदों की संख्या लगभग 4,500 हो जाएगी। इसमें केवल अंतर इतना बदलना है, बाकी 2021 की जगह 2024 हो जाएगा। ये पेट 2023 के आधार पे आना है। इसमें अगर पेट 2021 की बात किया जाए तो जो अर्हताएं थी इसमें जो मांगा गया था, ये आप देख सकते हो कि कौन कौन, जैसे आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। सबसे बड़ी बात, जब आपकी तैयारी स्टार्ट करते हो, कोई फॉर्म भरना चाहते हो, तो देखते हो कि एलिजिबिलिटी है कि नहीं। तो बहुत अच्छी बात यह है कि जो लेखपाल की अर्हता है वो बहुत ही सिंपल है। आप देखोगे उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त, आप 12th पास हो, आप इसके लिए भर सकते हो। इसमें पिछली बार इन्होंने कोई ट्रिपल सी की बात भी नहीं की थी, केवल एक पॉइंट अनिवार्य अहर्ता शैक्षिक रखा था, और अधिमानी अहर्ता जो था, या अधिमानी अहर्ता मतलब अगर आपके पास एनसीसी वगैरह है तो आपको प्रायोरिटी मिलती है, बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं रखा था। और इस बार भी आपका सेम रहना है, पिछला वाला ही आपका रहना है, कुछ बदलाव नहीं होना है। आयु सीमा, इसमें सबसे अच्छी बात है कि प्रदेश के जितने भी वैकेंसीज होती हैं इसमें 21 से लेकर 40 साल तक होती हैं, तो ये बहुत बेहतरीन चीज है कि मैक्सिमम जो आपका है यहाँ पे मैक्सिमम जो आयु सीमा है वो आपका अपर एज लिमिट 40 साल तक का है, लेकिन जो मिनिमम है क्योंकि 12th स्टैंडर्ड पे है तो 18 से 40 तक का है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 18 साल से ऊपर और 40 साल से कम वाले बच्चे इनमें भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो बोल सकते हो कि रिलैक्सेशन है, जैसे ओबीसी का, एससी एसटी का, इन सबका रिलैक्सेशन भी क्या होता है, मिलता है, जो प्रदेश में आपका लागू है। ठीक है, अब आती है बात कि इसमें पूछा क्या जाता है। तो इसमें पैटर्न पिछली बार बतला गया था, इसमें आपका गणित पूछा जाता है, हिंदी पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, और ग्राम्य समाज एवं विकास पूछा जाता है। सही मायने में अगर मैं आपको बताऊं तो सामान्य ज्ञान आपके 50 क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे पिछले बार भी ग्राम्य समाज एवं विकास के लिए सबसे ज्यादा परेशान थे, लेकिन ये ग्राम्य समाज और विकास से चुनिंदा प्रश्न थे। मैक्सिमम जो प्रश्न था वो यूपी स्कीम से था, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के स्कीम जो ग्रामीण योजनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न थे, और मोर देन 80% क्वेश्चन इसी के थे। तो इस बार भी आपका लगभग वही उम्मीद रख के चलिएगा, दोनों मिलकर 50 नंबर तो आपका यही
हो जाते हैं, फिर भी ग्राम्य समाज और विकास के जितने भी टॉपिक इन्होंने सिलेबस में, आप सिलेबस देखोगे तो एक एक सिलेबस में जितने जितने टॉपिक इन्होंने दिया है, सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से ये क्या कर दिया जाएगा, कवर करवाया जाएगा आपका पूरा कोर्स में, और जैसा पिछली बार भी आपका करवाया गया था। बाकी हिंदी और गणित है, इसमें गणित जो होता है बहुत कम चैप्टर होते हैं, बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं होते हैं। आप ऐसे इसके गणित के चैप्टर को देखोगे तो लगता है कि बहुत कठिन पूछता है, बट जो इसने दे दिया वही से संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी के आंकड़े, ठीक है, सांख्यिकी से ठीक ठाक प्रश्न पूछता है, आंकड़ों की निरूपण, दंड चार्ट, ये आपका क्या होगा डीआई वगैरह हो गया, बाकी ये किससे पूछ रहा है, ये आपका केंद्रीय माप, ये सब कुछ आपका किससे है, सब कुछ आपका स्टेटिस्टिक्स से है। देखा दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे बीज गणित में एलसीएम और एससीएफ की बात किया गया है, युगपत समीकरण की बात किया गया, द्विघात समीकरण की बात किया, गुणनखंड की बात किया, क्षेत्रफल प्रमेय की बात किया है, रेखा गणित की बात किया गया, रेखा गणित में केवल त्रिभुज और आयत वर्ग से बात किया गया, इसमें अरिथमेटिक के जैसे रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पेस डिस्टेंस, इन सब के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि के क्वेश्चन थोड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन सीआई एसआई के क्वेश्चन नहीं होते, तो अरिथमेटिक बिल्कुल नहीं होती। आप नंबर सिस्टम पढ़ लो, नंबर सिस्टम में आपका लगभग अल्जेब्रा कवर हो जाता है, थोड़ा बहुत फैक्टराइजेशन वगैरह पढ़ोगे तो वो कवर हो जाता है, एक पार्ट आपको इसमें स्टेटिस्टिक अच्छे से पढ़ना पड़ता है जो आपको बेहतर तरीके से तैयार करना है। तो ये चीज आपका पहले भी बहुत अच्छे से कवर कराया गया था, इस बार भी अच्छे से कवर कराया गया जाएगा, और रीजनिंग आप यूपी ट्रिपल एससी की जानते हो कि किस प्रकार से पूछा जाता है, और उसी प्रकार से ये रीजनिंग इसमें पूछा जाता है। हालांकि अगर कट ऑफ की बात किया जाए, पिछली बार 8000 वैकेंसी थे, ये यूपी ट्रिपल एससी बोलता है कि 15 गुना बच्चे होंगे। सबसे पहला ये दिमाग में हमारा आता है कि क्या सर हम लोग शॉर्टलिस्ट होंगे कि नहीं, सबसे पहली बात तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप ऐसे कितने लोग पीटी 2023 दिए थे, क्योंकि पीटी जब 2021 में आया था, जब सबसे पहली बार आया था, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, फॉर्म भरा था, चाहे उसे मजबूरी माना जाए, चाहे उसे रुचि माना जाए, या पहली बार है देखा जाएगा, इस संदर्भ में देखा जाए बहुत ज्यादा फॉर्म आए थे, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन पीटी एकदम फ्लॉप कॉन्सेप्ट आया, पीटी हो जाता है, पेपर होता नहीं है, उस पर कोई वैकेंसीज आती नहीं है, बच्चों की रुचि क्या हो गई, कम होती चली गई, और दूसरा आयाम देखा जाए तो उन्होंने पेपर का स्तर भी क्या हो गया, बढ़ाते हुए चले गए। अगर हम पहले पीटी की बात करें, पीटी 2023 की बात करें, तो उन दोनों पेपर में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे कठिन पेपर जो बोला जा सकता है वो पीटी 2023 का पूछा गया था, तो स्कोर कार्ड इसके बहुत कम रहने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है पीटी 2023 में आवेदन भी बहुत कम किए हैं। बट मैं एक चीज बोलूंगा, सिलेक्शन लेने वाले बच्चे जो होते हैं सीरियस होते हैं, और वो इस बहकावे में नहीं आते कि पीटी मुझे भरना है कि नहीं भरना है, नहीं वही भरते हैं जिनको सिलेक्शन नहीं लेना होता है, आपका कॉम्पिटिशन उनसे है जिनको सिलेक्शन लेना है, आपका कॉम्पिटिशन उनसे नहीं है जिनको सिलेक्शन नहीं लेना है। तो भाई जो पीटी का फॉर्म भरा होगा आपका सही में कॉम्पिटिशन भी उतने में, वो अगर भीड़ एक्स्ट्रा भी होती तो भी आपका कॉम्पिटिशन उन्हीं ऊपर वाले बच्चों में था, आज भी कॉम्पिटिशन उन्हीं ऊपर वाले बच्चों में, तो आपके कॉम्पिटिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब केवल बहकावे की बातें हैं कि एक सीट पे इतने फॉर्म, एक सीट पे इतने फॉर्म, मेन कंपटीशन ऊपर के कुछ परसेंटेज बच्चों से होता है जो आपका प्रैक्टिकल बातें हैं, ठीक है। तो पिछली बार में 15 गुना बोले थे, लेकिन ये बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन के 2 अंक के बाद तक ही, नॉर्मलाइजेशन 5 अंक का होता है, लेकिन 2 अंक के बाद जितने भी होते हैं सबको ले लिया जाता है, इस कारण से ये 15 नहीं 30 गुना होता है। उस हिसाब से 8000 का लगभग 24 यहाँ पे 8000 वैकेंसी थी, इसमें 247000 बच्चे क्या किए थे, शॉर्टलिस्टेड हुए थे, और पिछली बार जो गया था वो लगभग 61 नंबर गया था पीटी के स्कोर से, तो ये बहुत आसान पेपर था। अगर 2023 के प्रारूप में देखा जाए, उसके समकक्ष में देखा जाए, तो बहुत ज्यादा आसान था। अब का 60 नंबर लाना बहुत कठिन बात हो गई है, तो 60 नंबर बिल्कुल मत सोचिए। दूसरी बात, केवल 4000 वैकेंसी है, 4000 का 30 गुना लिया जाए तो 4×12 मतलब 1,20,000, लगभग 1.5 लाख बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे। 1.5 लाख बच्चे कैसे शॉर्टलिस्ट होंगे, 5512 वैकेंसी आप देख सकते हो जूनियर असिस्टेंट की, उसमें भी लगभग इतने ही बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और उनका कट ऑफ बहुत कम गया है। तो ऐसे ही आपका जो जूनियर असिस्टेंट भरता है वही आपका लेखपाल भरता है, लेखपाल में थोड़ा सा ज्यादा ही आवेदन आते हैं जूनियर असिस्टेंट के अपेक्षा, लेकिन दोनों का कैडर सेम है और इनकी तैयारी करने वाले, इनके प्रतिरुचि रखने वाले बच्चे बिल्कुल सेम है, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो कि जूनियर असिस्टेंट जो 5512 वाली वैकेंसी थी कितनी नीचे कट ऑफ आई है, मतलब कि केवल जो जस्ट पास टाइप में है उसको भी शॉर्टलिस्ट हो गया है। तो ये मत सोचिएगा कि हम शॉर्टलिस्ट होंगे कि नहीं होंगे 2023 में, कोई बता रहा है 30 नंबर 40 नंबर, मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर आप 10 नंबर के भी ऊपर पा रहे हो तो आप लोग अपनी तैयारी आज से ही चालू कर दो और आप जूनियर असिस्टेंट से सबक ले सकते हो, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रही बात ये पिछला कट ऑफ है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो सारी चीजें मैंने आपको सामने यहाँ पे दे दिया है, बट ये पिछली बार का है, 2021 का है। अब आप देखोगे तो शायद ये 10, 12, 15 नंबर रहे तो भी कोई आप लोग ताज्जुब मत समझिएगा, जैसा मैंने जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली वैकेंसीज में आपको बताया था। हालांकि फाइनल कट ऑफ आप जरूर देख लीजिए कि जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 75.75 आपका गया था, और
ये मेनली जो ज्वाइनिंग वाला आपका था डीवीयू भी होने के बाद 83.25 आरक्षित का ये फाइनल कट ऑफ गया था। तो 100 में 83 नंबर, बहुत लोग बच्चे बोलते थे पता नहीं क्या पूछ ले, पता नहीं क्या कट ऑफ है, 8000 वैकेंसी पे 83 कट ऑफ जाना बहुत बड़ी बात है। तो वही मैं बोलता हूँ कि असली कॉम्पिटिशन उन्हीं में होता है जिनका चयन लेना होता है, आपको इन्हें टारगेट करना है जो 83 नंबर यहाँ पे लेके आ रहे हैं उस 100 नंबर में से। मेरी बात समझ में आ रही है? आप उनके चक्कर में मत पड़ो कि जिन्होंने पीटी नहीं दिया उससे खुश होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आज से ही लग जाइए, क्योंकि आपको नौकरी लेनी है। आपको भी पता है कि नौकरी आज के समय में कितनी ज्यादा आवश्यक है। ये तमाम 8 तारीख से सर्कुलेट हो रहा है कि कितनी ज्यादा तेजी से उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश शासन की बात किया जाए, बच्चों के जो अभ्यर्थी वर्ग है उनके बातों को, जो उन्हें सीख मिला है, सबक मिला है कि किस प्रकार से अगर हम इन पे ध्यान नहीं देंगे तो हम चुनाव से बाहर हो जाएंगे, और इन्हें अगला चुनाव यूपी चुनाव दिख रहा है। इस कारण से आपके लिए लगातार यही है, आप देखो लोक सेवा आयोग अधीनस्थ पावर कॉर्पोरेशन यूपी पीसल की मैं वीडियो लेके आऊंगा कौन सी वैकेंसी आ रही है, मैं आपको इसके बाद लोअर की भी पूरी चर्चा, बहुत सारे बच्चे बोले कि लोअर की वैकेंसी आ रही है उसके बारे में भी सब कुछ जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। जैसे लोअर में देखोगे तो यहां पे राजस्व निरीक्षक के अधियाचन की बात होने लगी है, कितने पद अलग अलग विभागों में खाली हैं, ये सूचनाएं मांगी जाने लगी है। और रही बात अपकमिंग बैच यूपी ट्रिपल एससी के कौन कौन आने वाले हैं, तो 2 बैच की घोषणा टीम परीक्षा प्लस बहुत जल्दी करने वाली है, एक आपका अधीनस्थ की तरफ से लेखपाल का और दूसरा अधीनस्थ की तरफ से लोअर पीसेस का, दोनों की जानकारी समग्र रूप से मैं आपको दे के फिर आपका बैच लॉन्च करूंगा। और बहुत मिनिमम फीस में आपको ये बैच उपलब्ध रहेगा, बहुत बेहतरीन क्वालिटी के साथ आपका ये बैच उपलब्ध रहेगा, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, और आपके सिलेक्शन का जो चांस होगा वो 100% और भी बढ़ जाएगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। बैच का इंतजार करिएगा, मैं आपको सूचना जल्द दूंगा, परीक्षा प्लस ऐप आज ही डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी सूचना दे दी जाएगी। और मैं लोअर पीसेस की जो वीडियो है, कौन कौन चाह रहे हैं कि लोअर पीसेस पे भी जल्दी वीडियो लेके आए, मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। फिर मिलता हूँ, धन्यवाद सभी का।